मैं एक छोटा किसान हूं जो ऑर्गेनिक उगाता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरा सामान सीधे खुले में बल्क में कोई खरीद ले, तो क्या मुझे कोई सर्टिफिकेशन चाहिए? मैं किसान हूं जो उगाता भी अपना हूं और चाहता हूं कि अपने ब्रांड में उसको पैक करके अपने नाम से उसको सीधा ग्राहक तक या मार्केट तक लेके जाऊं, तो क्या मुझे कोई अलग सर्टिफिकेशन चाहिए? एक मैं हूं जो किसान नहीं हूं, मैं दूसरे किसानों से खरीदता हूं प्रोडक्ट्स और अपने ब्रांड में उसको मार्केट करता हूं, तो मुझे कौन सा सर्टिफिकेशन चाहिए? बहुत कंफ्यूजन है, बहुत सारे सवाल है मन में, और मैंने देखा है कि इस कंफ्यूजन की वजह से या तो ऑर्गेनिक हम डिले कर देते हैं सर्टिफिकेशन, या गलत सर्टिफिकेशन ले लेते हैं, या ले ही नहीं पाते हैं एंड में। मैंने पहले भी कई सर्टिफिकेशन के वीडियोस डाले हैं, लेकिन एक फॉलो अप वीडियो की जरूरत थी क्योंकि काफी सवाल थे, अलग अलग सिनेरियो से वो सवाल आ रहे थे। तो अगर आप ऑर्गेनिक से जुड़े हुए हैं तो अगले 5 से 10 मिनट सब कुछ भूल जाइए और इस वीडियो को देखिए। मैं मानता हूं कि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप ऑर्गेनिक से जुड़े हुए हैं तो इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। सिनेरियो नंबर 1, आप एक छोटे किसान हैं जो अपनी जमीन पर ऑर्गेनिक दालें, मसाले, गेहूं, चावल वगैरह उगाते हैं और आप चाहते हैं कि आप किसी प्रोसेसिंग में ना पड़े, किसी पैकेजिंग में ना पड़े, कोई आए और आपका सामान ऑर्गेनिक में सीधा लेके जाए और आपको अच्छा और उचित मूल्य देके जाए। अगर आपको ऐसे करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन अप्लाई करना पड़ेगा, और उस ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के 2 तरीके हैं। एक है PGS, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, और एक है NPOP, इसको बोलते हैं नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। सिनेरियो नंबर 2, आप एक किसान हैं जो उगाते भी हैं और आप प्रोसेसिंग यूनिट लगा के उसको प्रोसेस करते हैं, फिर पैक करते हैं, पैक करके अपने ब्रांड में या तो सीधा ग्राहक को, कंज्यूमर को बेचते हैं, या मार्केट में शॉप्स पे अपना सामान रखना चाहते हैं। अगर आपको ऐसा करना है तो आपको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन तो लेना ही है, जो अभी हमने अभी बात की है। इसके अलावा आपको फसाई का सर्टिफिकेशन भी चाहिए। फसाई सर्टिफिकेशन में 2 सिनेरियोज हैं। पहला, अगर आप बहुत ही सीमांत आपका उद्योग है, छोटा उद्योग है आपका, और साल भर का टर्नओवर 12 लाख से नीचे है, तो आप एक रजिस्ट्रेशन कराइए फसाई का, जो 100 रुपये में हो जाता है 1 साल के लिए, और 1 साल के बाद आप उसको रिन्यू करा सकते हैं, और इसके बाद आप आगे अपना सामान बेचना शुरू कर सकते हैं। और अगर आपका बड़ा बिजनेस है और टर्नओवर थोड़ा ज़्यादा है, 12 लाख से ज़्यादा है साल का, तो आपको मैन्युफैक्चरर का लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिसे प्रोसेसिंग लाइसेंस भी बोलते हैं। मैन्युफैक्चरर लाइसेंस थोड़ा सा अलग होता है, उसकी फीस 5,000 पर साल की होती है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, और इस रिक्वायरमेंट को अगर आपको डिटेल में जानना है तो इस वाले वीडियो को आप प्लीज देख लीजिए, ये डला हुआ है ऑलरेडी, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। जब आपने ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन ले लिया, फसाई का सर्टिफिकेशन ले लिया, उसके बाद आपको इसको एंडोर्स कराना पड़ता है। आपका जो फसाई सर्टिफिकेशन है, आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आप जाएंगे, एक ऑप्शन होता है एंडोर्स ऑर्गेनिक, आप उसमें ऑर्गेनिक एंडोर्स करेंगे। उसके लिए आपको अपना सर्टिफिकेशन डालना पड़ेगा, जो NPOP हो सकता है या PGS हो सकता है, और साथ में आपको रिपोर्ट डालनी पड़ेगी कि आपने टेस्टिंग कराई थी अपने प्रोडक्ट्स की और उसमें कोई रेजिड्यू नहीं आया है। अब तीसरा सिनेरियो आता है कि मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूं, जिसका मतलब है कि मेरे पास अपनी कोई जमीन नहीं है, अपना कोई प्रोडक्शन नहीं है, लेकिन मैं बेचने में बहुत अच्छा हूं, मार्केट मेरे पास है, तो मैं जो किसान हैं जो नहीं बेच पा रहे उनसे सामान लेता हूं और आगे बेचता हूं ऑर्गेनिक का। उसके लिए आपको ट्रेडिंग या मार्केटिंग का लाइसेंस लेना पड़ेगा फसाई का। अगेन, ये ऑनलाइन आप जा सकते हैं, ऑनलाइन बड़े आसानी से आपको मिल जाएगा, कुछ उसमें डिटेल चाहिए जो आपको डालनी पड़ेंगी और उसके बाद वो अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन ही होता है ये सब। इसके बाद जब आपके पास ट्रेडिंग का लाइसेंस आ गया तो आप किसी भी ऐसे एंटिटी के पास जाए, जैसे हम हैं, हम प्रोडक्शन भी करते हैं और हमारे पास फसाई का प्रोडक्शन का लाइसेंस है, तो आप हमसे सामान लेंगे और अपने पैकेट में लिखेंगे मैन्युफैक्चर्ड बाय हम और हमारा फसाई, और मार्केटेड बाय आपका नाम और आपका फसाई। ये 2 फसाई लगेंगे आपके पैकेट पे और आप इसको आगे मार्केट कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ फसाई का मार्केटिंग का लाइसेंस लेना है, और क्योंकि आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट
यू नो मार्केट कर रहे हैं तो किसी ऐसे जेन्युइन यू नो मैन्युफैक्चरर से लेंगे जिसके पास सारे लाइसेंसेस होंगे, और उस लाइसेंसेस को आपको मेंशन करना पड़ेगा आपके यू नो पैकेट पे। अब बात एक और आती है जहां कंफ्यूजन होता है कि हम अपने जो पैकेट है उस पे लोगो कौन सा लगाए। कई लोग कहते हैं पीजीएस लगाए, एनपीओपी लगाए, जैविक भारत लगाए, क्या क्या लिखे। तो इसका बड़ा सिंपल है, आप या तो एनपीओपी सर्टिफाइड होंगे ऑर्गेनिक या आप पीजीएस सर्टिफाइड होंगे ऑर्गेनिक। तो या तो एनपीओपी का लोगो लगाएंगे या पीजीएस का लोगो लगाएंगे, तो आप लिखेंगे एनपीओपी सर्टिफाइड या पीजीएस सर्टिफाइड, और नीचे आपका सर्टिफिकेशन कोड होगा। सबके पास एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड होता है, वो आप जरूर मेंशन करेंगे। और जैसे ही आप एंडोर्समेंट करते हैं, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, तो फसाई वाले जो एंडोर्समेंट को जब एक्सेप्ट करते हैं तो उसके बाद वो आपको जैविक भारत लोगो यूज करने का यू नो गो हेड दे देते हैं। तो आप जैविक भारत का लोगो भी लगा सकते हैं। तो जैविक भारत का लोगो लगाइए, पीजीएस या एनपीओपी सर्टिफाइड, और अपना सर्टिफिकेशन लिखिए। इसके अलावा अगर आपको लिखना है तो लोग जो भी अलग अलग सर्टिफिकेशन है, जैसे हमारे पास आईएसओ सर्टिफिकेशन है तो मैं वो भी डाल सकता हूं। अगर किसी ने और सर्टिफिकेशन ले रखा है, जैसे यू नो गैप सर्टिफिकेशन होता है, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, आप वो भी डाल सकते हो। ये एडेड एडवांटेज है, इसे कस्टमर को और ज्यादा ट्रस्ट मिलता है। बट क्या ये मैंडेटरी है, जरूरी है लीगली? नहीं, लीगली सिर्फ और सिर्फ फसाई चाहिए आपको, आपको एनपीओपी या पीजीएस चाहिए, एंडोर्समेंट चाहिए, एंडोर्समेंट हो गया तो जैविक भारत का लोगो चाहिए, अपना एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड है, दैट इज इट। तो दोस्तों यही सिनेरियोस थे जो मैं कवर करना चाहता था, क्योंकि या तो आप ऑर्गेनिक उगा रहे हैं और उसको खुले में बेच रहे हैं, या आप ऑर्गेनिक उगा रहे हैं उसको पैक करके बेच रहे हैं, या आप ऑर्गेनिक उगा नहीं रहे हैं सिर्फ बेच रहे हैं। तो यही सारे ऑप्शंस थे, और मैं आशा करता हूं कि अब क्लैरिटी हो गई कि अगर आप इनमें से कोई भी हैं तो आपका सर्टिफिकेशन कौन सा चाहिए और कैसे मिलेगा। यहां पे मैं फिर से जोर देके कहना चाहता हूं कि सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको प्रोडक्ट को ट्रस्ट मिलता है, आपको अच्छा मार्केट मिलता है, अच्छे कंज्यूमर मिलते हैं। इसके बिना लोग बाग आपके जो 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 प्रोडक्ट है उस पर सवाल उठा सकते हैं कि क्या ये ऑर्गेनिक है या नहीं है। और अब ये इतना आसान हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आती है। मैं मानता हूँ कुछ लोग के पास अभी अवेयरनेस की कमी है, टेक्निकली बहुत स्ट्रांग नहीं है, वो खुद नहीं कर सकते, स्पेशली छोटे किसान जिनको कंप्यूटर नहीं आता है, टेक्नोलॉजी से थोड़ा दूर हैं। अगर ऐसे कोई भाई हैं, अगर प्रॉब्लम है किसी को, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम जरूर लिखें, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके लिए उस समस्या का हल निकालने के लिए। दोस्तों मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मैं फिर आऊंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।